ओम शांति। 7 नवंबर 2022 के शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, मनुष्य जो बाप को भूल दुबन अर्थात दलदल में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। विचार सागर मंथन कर सबको बाप का सत्य परिचय दो। प्रश्न, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? उत्तर, गीता शास्त्र है ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहा जाता है। इसे सिर्फ देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि देवताओं में तो ये ज्ञान है ही नहीं। ब्राह्मण ये गीता का ज्ञान सुनकर देवता बनते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता दोनों का ही ये शास्त्र है। ये कोई हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं कहा जाता। ये बहुत समझने की बातें हैं। गीता ज्ञान स्वयं निराकार शिव बाबा तुम्हें सुना रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं। ओम शांति। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं अच्छी तरह से। कौन सा बाप? पारलौकिक बाप। लौकिक बाप को इतने बच्चे नहीं होते। पारलौकिक बाप के इतने बच्चे अर्थात आत्माएं हैं, जो याद करते रहते हैं। हे पतित पावन सर्व के सदगति दाता, ओ परम पिता परमात्मा, तो पिता कहकर पुकारते हैं। परम पिता परमात्मा निराकार भगवान उवाच। निराकार परमात्मा तो एक होता है ना, दो नहीं होते। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। वे कहाँ रहते हैं? जहाँ आत्माएं रहती हैं। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से सुख का वर्षा लेने की बात नहीं आती, बाप कहने से वर्षा याद आता है। परंतु मनुष्य बाप को नहीं जानते। भारतवासी ड्रामानुसार रावण मत पर अपनी दुर्गति करते हैं। तो पहले पहले यह समझाना है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीरधारी हैं, मनुष्य स्थूल देहधारी हैं। परंतु स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को बाप नहीं कहेंगे। बाप परमपिता परमात्मा निराकार को कहा जाता है। भूल क्या हुई जो दुर्गति हुई? बाप द्वारा सच्ची गीता सुनने से सदगति होती है। तो कोई को भी पहले पहले बाप का परिचय देना है। ये है मूल बात। परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। तब तो बाबा ने यह पोस्टर छपवाया है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण बच्चा है या परमपिता परमात्मा। गीता किस धर्म का शास्त्र है? ब्राह्मण देवी देवता धर्म का कहना ठीक है। जैसे क्रिश्चियन का धर्म शास्त्र बाइबल है, ऐसे गीता को सिर्फ देवी देवता धर्म का शास्त्र नहीं कहेंगे, जब तक ब्राह्मणों को न मिलाएं। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। बाबा ने बताया है देवताओं में ज्ञान है नहीं। वे ये भी नहीं जानते कि गीता कोई हमारे धर्म का शास्त्र है। ज्ञान है ब्राह्मणों को, सिर्फ ब्राह्मण धर्म का भी शास्त्र गीता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप दोनों धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए दोनों धर्म का शास्त्र कहेंगे। वहां तो कह देते कि हिंदू धर्म का शास्त्र है, आर्य का भी कह देते। आर्य समाज तो दयानंद ने स्थापन किया है, वह भल नया धर्म है, परंतु वह कोई देवी देवता धर्म के नहीं है। मूल बात है गीता का भगवान कौन? गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल गीता को खंडित कर दिया है, क्योंकि मेरे से बुद्धि योग टूट गया। गीता में देखो बातें कितनी बताई हैं और गीता पाठशाला का मान कितना है। तो अभी देवता और ब्राह्मण धर्म प्रायलोप है। पुजारी लोग कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। उन्हों को ये मालूम नहीं है कि ब्राह्मण देवता कैसे बने, ये बतावे कौन? बाप कहते हैं कि मैं ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए देवता बनाता हूँ। तो गीता हो गई ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र। सिर्फ कहें
देवता धर्म का तो लक्ष्मी नारायण में ज्ञान है नहीं, ये बात समझने की है, परंतु समझाए कौन। श्री बाबा सुनाते हैं कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहाँ रुद्र यज्ञ, कहाँ श्री कृष्ण, फर्क है। इस ज्ञान यज्ञ के बाद फिर सतयुग में कोई मटेरियल यज्ञ रचा नहीं जाता। अब यज्ञ रचते हैं आफत मिटाने के लिए। वहां कोई आफत होती ही नहीं जो ये यज्ञ रचना पड़े। गीता में रुद्र यज्ञ का भी लिखा है और ये भी लिखा है कि भगवान उवाच, तो गीता में सच है आटे में नमक जितना, बाकी सब झूठ है। अब ये विचार सागर मंथन श्री बाबा नहीं करेंगे, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को करना है। इस समय मनुष्य तो एकदम दुबन में फंसे हुए हैं। दुबन अर्थात दलदल से निकलने में बड़ी मेहनत लगती है। तब तो बाप को पुकारते हैं, बाप कहते हैं तुमको पांच विकार रूपी रावण पर ही जीत पानी है। फिर सतयुग में तुम जीवात्माएं सुख में हो, जो भी सत्संग है वहां तुम जाकर पूछ सकते हो। डरने की कोई बात नहीं, सब अंधकार में पड़े हैं, मौत सामने खड़ा है। और कहते हैं अभी तो कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देने आता है, सदगति देता है तो दुर्गति में है ना। गीता में अगर शिव परमात्मा का नाम होता तो उसको सब मानते, तो बरोबर निराकार निराज योग सिखाया था। युद्ध के मैदान की कोई बात नहीं है, युद्ध के मैदान में इतना बड़ा ज्ञान कैसे देंगे, राजयोग कैसे सिखाएंगे। मुख्य धर्म चार हैं, धर्म शास्त्र भी चार हैं। अभी तो अनेकानेक धर्म, अनेक शास्त्र, अनेक चित्र हैं। अब बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर साकार में लक्ष्मी नारायण, फिर उनकी डायनेस्टी, संगम पर ब्रह्मा सरस्वती। बस रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो शिव का लिंग बनाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं, देवियों की भी पूजा कर फिर डुबो देते हैं। तो गुड्डे गुडियों की पूजा हो गई ना, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। उनकी महिमा है पतित पावन, तो कैसे पाप आत्माओं को पावन बनाते हैं। अभी तो तुमको जाग कर जगाना है, अर्थात बाप का परिचय देना है। बाप को जानते नहीं, सिर्फ पैसा कमाते, कथा सुनाते रहते हैं। इससे क्या हुआ, तुम विद्युत मंडली में भी जाकर समझाओ। इस लड़ाई में मरना तो सबको जरूर है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती जाती है। लिखते भी रहते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं तो कल्प पहले भी इनसे विनाश हुआ था। ये सब बॉम्ब्स कोई कल्प पहले इन्होंने समुद्र में नहीं डाले थे, तो अभी भी विनाश होना है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, कौन, कौरव और यादव। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो ये पोस्टर लाखों के अंदाज में छपाओ, सब भाषाओं में। अंग्रेजी में तो जरूर छपवाना चाहिए। जहां जहां गीता पाठशाला हो वहां बांटते जाओ। पोस्टर पर एड्रेस भी लिखी हुई हो, बाबा डायरेक्शन तो देते हैं। करना तो बच्चों का ही काम है। लिखा हुआ है शिव बाबा, तो शिव बाबा भी बाप, ब्रह्मा भी बाप, परंतु बच्चों को वर्षा शिव बाबा से मिलना है, न कि ब्रह्मा से। ब्रह्मा को भी उनसे मिलता है। बाबा ने बहुत समझाया है कि गीता मैगजीन में भी पहले पहले बाप का यथार्थ परिचय लिखो, तो जो ब्राह्मण बनने वाले होंगे उनको झट तीर लगेगा। नहीं तो लिया और फेंक दिया, जैसे कोई बंदर को किताब दो तो एकदम फेंक देगा।
समझेगा कुछ नहीं। तब बाप कहते हैं कि ये ज्ञान मेरे भक्तों को और गीता पाठियों को देना, उसमें भी जिसके भाग्य में होगा वे समझेंगे। बाप कहते हैं ये तो है ही नर्क, यहाँ जो भी बच्चे आदि पैदा होते हैं एक दो को दुख देते रहते हैं, एक दो को काटते रहते हैं, बाकी जो गरुड़ पुराण में विश्ववैतरणी नदी दिखाई है वह तो है नहीं। ये दुनिया तो नर्क है, तो बच्चे जानते हैं आज नर्कवासी फिर संगमवासी बनते हैं, कल फिर स्वर्गवासी बनेंगे, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। 23 मार्च 1968 की रात्रि क्लास। ऊंचते ऊंच है एक भगवान माना फादर, किसका फादर? सभी जो आत्माएं हैं उन सभी का, जो भी मनुष्य मात्र हैं उनमें जो आत्माएं हैं उनका है फादर। अभी सभी आत्माएं जो कि पाठ बजाने आती हैं वे पुनर्जन्म जरूर लेती हैं, कोई बहुत थोड़े लेते हैं, कोई 84 जन्म लेते हैं, कोई 80 और कोई 60। देहधारी जो भी मनुष्य हैं, भले ये लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करने वाले हैं, उस समय न्यू वर्ल्ड में और कोई डायनेस्टी नहीं थी, जो भी देहधारी मनुष्य हैं कोई भी सदगति नहीं दे सकते। पहले पहले है स्वीट साइलेंस होम, सभी आत्माओं का घर, बाप भी वहां रहते हैं, उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। बाप ऊंचते ऊंच, फिर रहने का स्थान भी ऊंचते ऊंच है। बाप कहते हैं मैं ऊंचते ऊंच हूँ, मुझे भी आना पड़ता है, सभी मुझे पुकारते हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं पुनर्जन्म जरूर लेना ही है, सिर्फ एक बाप ही नहीं लेते हैं पुनर्जन्म, तो सभी को लेना ही है, कोई भी धर्म स्थापक हो। बुद्ध अवतार कहते हैं ना, बाप को भी अवतार कहते हैं, उनको भी आना पड़ता है। अभी सभी आत्माएं यहाँ मौजूद हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। पुनर्जन्म लेते हैं तब तो वृद्धि होती है ना, पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सभी तमो प्रधान है, बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, बाप ही नॉलेजफुल है, आदि मध्य अंत की नॉलेज उनमें है, उनको ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है, पीसफुल एवर प्योर। बाकी मनुष्य मात्र प्योर इम्प्योर बनते हैं, ये लक्ष्मी नारायण डीटी डायनेस्टी के फर्स्ट हैं, इनको ही पूरे 84 जन्म लेने पड़ते हैं, पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बनाकर साथ में ले जाते हैं। बाप को ही लिबरेटर कहा जाता है। इस समय सभी धर्म स्थापक यहाँ हाजिर हैं, बाकी थोड़े हैं जो आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, शांति धाम व सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो, तुम जो पहले आए थे वही फिर पहले आएंगे, क्राइस्ट फिर अपने समय पर आएंगे। क्राइस्ट में ये ताकत नहीं जो किसको वापस ले जाए, वापस ले जाने की ताकत एक बाप में ही है। इस समय है रावण राज्य, आसुरी राज्य, 84 जन्मों में विकार पूरे प्रवेश कर लेते हैं। बाप कहते हैं तुम डीटी दुनिया के मालिक थे, फिर रावण राज्य में तुम विकारी बन पड़े हो, पुनर्जन्म सभी को जरूर लेना पड़ता है, धर्म स्थापन कर वापस चला जाए ये हो नहीं सकता, उनको पालना जरूर करनी है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। नई दुनिया में एक ही धर्म एक ही डीटी डायनेस्टी थी, अब वह है नहीं,
सिर्फ चित्र हैं और सभी धर्म मौजूद हैं सिवाय एक गॉडफादर के, जो भी देहधारी हैं पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। भारत है अविनाशी खंड, ये कब विनाश नहीं होता, अविनाशी है। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड ही नहीं था, सिर्फ इनका ही राज्य था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बस, और कोई नहीं। नई दुनिया को स्वर्ग डीटी वर्ल्ड कहा जाता है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, आत्मा को ज्ञान सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, सभी आत्माओं का फादर है सुप्रीम सोल, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है। वे कब पुनर्जन्म में नहीं आ सकते हैं, इस समय नाटक की पिछाड़ी है, यह सारी दुनिया स्टेज है, इसमें खेल चल रहा है। इनकी ड्यूरेशन है 5,000 वर्ष। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर सभी को उत्तम ते उत्तम बनाते हैं। आत्माएं अविनाशी ही हैं, यह ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया खेल है। जो पास हो गए फिर उसी समय पर आएंगे, पहले पहले ये आए थे, लक्ष्मी नारायण अभी नहीं है। सच्चा सच्चा सत का संग ये है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद, प्यार, गुड नाइट, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विचार सागर मंथन कर मनुष्यों को डूबन अर्थात दलदल से निकालना है। जो भी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं उन्हों को जगाना है। दूसरा, सूक्ष्म अथवा स्थूल देहधारियों से बुद्धि योग निकाल एक निराकार बाप को याद करना है। सबका बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है। वरदान, सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। स्पष्टीकरण, संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ और सहज है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबर वार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता है। और ये सहज भी है, क्योंकि असंभव से संभव करने वाले सर्वशक्तिमान बाप का साथ है। स्लोगन, सहज योगी वह है जो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। ओम शांति।